मथुरा में दीनदयाल धाम में आज प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली होने वाली है। इस रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी जी के साथ ही सुरक्षा जवानों की कई टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। दीनदयाल धाम में एक विशाल मैदान में पंडाल बनाया गया है, जिसमें 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी द्वारा इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। परेड स्थित नगला चंद्रभान में सभा स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। तो आज महारैली है, आज मेगा शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा में, जहां पर वो अपने 1 साल की सरकार का पूरा लेखा जोखा देंगे। दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए मथुरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर करीब 3:45 पर मथुरा पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। फिर सबसे पहले पंडित दीनदयाल स्मारक जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद करीब शाम 4:30 रैली को संबोधित करेंगे पीएम। मथुरा के नगला चंद्रबान में पीएम मोदी का मेगा शो होना है। बता दें आपको, रैली में सरकार के 1 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे प्रधानमंत्री। त्रिस्तरीय होगी पीएम मोदी की सुरक्षा भी। बता दें आपको, एसपीजी, आरएएफ और पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पीएसी की 8 कंपनियां, आरएएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा में। रैली में आने जाने वालों पर सीसीटीवी से भी कड़ी नजर रखी जाएगी। मेगा शो के लिए करीब 2.5 लाख वर्ग फीट का मैदान चुना गया है। रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें आपको, गर्मी से निपटने के लिए पानी और कूलर की भी व्यवस्था इस रैली में की गई है। रैली स्थल पर डॉक्टरों की टीमें भी तैनात रहेंगी। बता दें आपको कि रैली के लिए 15 जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनकल्याण पर्व मना रही है बीजेपी। मथुरा में मोदी सरकार की रैली की तैयारियां पूरी हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बकायदा एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन आधा दर्जन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता होंगे वो इस मंच पर मौजूद होंगे, जिसमें यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा कई वरिष्ठ मंत्री जो इस क्षेत्र से आते हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। जो तमाम लोग आएंगे, बीजेपी का ये दावा है कि 2 लाख के लगभग लोग आएंगे, तो वो सीधे मंच तक नहीं देख पाएंगे, तो उनके देखने के लिए बाकायदा एलईडी स्क्रीन जो है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा पांडाल इस तरह से बनाया गया है, पूरा टेंट से ढक दिया गया है ताकि जो धूप है वो सीधी न पड़े, क्योंकि मथुरा में गर्मी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। मंच के ठीक पीछे वो हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, दीनदयाल धाम जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो दीनदयाल उपाध्याय समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और फिर यहां पर मंच पर आकर अपनी 1 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे। मथुरा से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस। तो पीएम मोदी दिल्ली से मथुरा हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। रैली स्थल पर भी पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है। रैली स्थल पर और क्या कुछ खास इंतजाम है, इस बारे में बता रहे हमारे संवाददाता संतोष पाठक। मोदी की मथुरा रैली की तैयारियां पूरी हो गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन्हीं तीनों हेलीपैड में से किसी एक हेली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चॉपर है वो लैंड करेगा और बाकी 2 हेलीपैड की बात करें तो एक पर एसपीजी और दूसरे पर इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है वो यहां पर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री ठीक 2:50 पर दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे। 3:45 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी हेलीपैड पर उतरेगा और इसके बाद 3:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल स्मारक पहुंचेंगे, जहां वो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। ठीक 4:30 पर प्रधानमंत्री मोदी इस महारैली के मंच पर आएंगे और तकरीबन 6 बजे तक ये इस मंच पर मौजूद रहेंगे और इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे, भविष्य का एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, विरोधी दलों पर निशाना साधेंगे और सबसे बड़ी बात, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का संग्राम का आगाज भी करेंगे। मथुरा से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए। बीजेपी का कहना है कि मथुरा में होने वाली पीएम की रैली ऐतिहासिक रैली होगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रैली को हिट करने के लिए बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है, इस बारे में बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा से बात की हमारे संवाददाता संतोष पाठक ने।
मथुरा में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के बाहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सार्वजनिक रैली है, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अहम घोषणाएं यहां से होगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 20 मई 2014 को सेंट्रल हॉल में जब हम सभी अपने सांसदों से मिले थे, मोदी जी पार्टी के पदाधिकारियों से मिले थे, तब 20 मई 2014 को मोदी जी ने कहा था कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और एक साल में हमने जितनी भी योजनाएं हमारी आई हैं वो सब गरीब सेंट्रिक योजनाएं हैं और इसीलिए इस धाम का चयन किया गया, क्योंकि दीनदयाल जी का एक सपना था। दीनदयाल जी हम सबके आदर्श हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। जितनी भी योजना है सरकार की वो गरीब सेंट्रिक योजना है। हमारी सरकार ने किसानों को एक कवच दिया है, मजदूर किसानों को एक इंश्योरेंस कवच दिया है, तो टेक्नोलॉजी भी आएगी और यहाँ उद्योग भी लगेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। आपने उपलब्धियों की बात कही, तो क्या यहाँ से आप चुकी इसी इलाके से आते हैं तो प्रधानमंत्री से ये भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अहम घोषणाएं यहाँ से करें वो? देखिए, प्रधानमंत्री जी के श्री मुख से जो भी हम लोग सुनेंगे यहाँ, वो आपका कैमरा भी होगा, मैं भी होंगे, आप भी होंगे। प्रधानमंत्री जी के भाषण से पहले प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं वो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मानता हूँ कि 17वें वो समय आएगा जब उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीकांत शर्मा जी नरेंद्र मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मथुरा से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस।